हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स लिक्विड के बारे में, द्रव के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, द्रव का जो आकार होता है फ्रेंड्स वो अनिश्चित होता है। ठीक है, सॉलिड को जो फ्रेंड्स सॉलिड मतलब जो ठोस होते हैं सिर्फ उसको छोड़ के जो द्रव होते हैं या फिर जो गैस होते हैं फ्रेंड्स उनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो द्रव होता है या फिर गैस होता है उसका जो आकार होता है वो ऐसा होता है। नहीं, द्रव का जो आकार होता है फ्रेंड्स वो अनिश्चित होता है। इसको जिस पात्र में, जिस कंटेनर में रखा जाता है फ्रेंड्स, जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसका आकार ले लेता है। मान लीजिए पानी को किसी बाल्टी में डालेंगे तो फ्रेंड्स वो जो है उसका आकार जो होता है वो बाल्टी के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी कंटेनर में या फिर किसी पात्र में फ्रेंड्स अगर द्रव को रखेंगे, जैसे मान लीजिए जल को रखेंगे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स उसका आकार ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं फ्रेंड्स, द्रव का जो घनत्व होता है, घनत्व मतलब डेंसिटी फ्रेंड्स, वो गैस से अधिक होता है। द्रव का जो डेंसिटी मतलब घनत्व होता है वो गैस से अधिक होता है, लेकिन जो ठोस होता है फ्रेंड्स उससे कम होता है। ठीक है, द्रव के कणों के मध्य जो द्रव होते हैं फ्रेंड्स, द्रव के जो कण होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक द्रव है। ठीक है, द्रव है, एक कंटेनर में, एक पात्र में द्रव रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसके कणों के बीच में, इसके कणों के बीच में फ्रेंड्स बल लगता है। ठीक है, जो बल होगा फ्रेंड्स वो कैसा होता है, दुर्बल। ये क्या होता है, दुर्बल। देखिए एक दूसरे से दूर हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, एक दूसरे से दूर होते हैं, जबकि जो ठोस होता है फ्रेंड्स, ठोस क्या होता है वो एकदम इसे, उसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से एकदम क्या होते हैं, मजबूती से पकड़े होते हैं उसके जो कण होते हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स द्रव होता है, ठीक है, द्रव होता है उसका जो कण होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसका जो कण होता है वो क्या होता है, दुर्बल अंतरा आणविक आकर्षण बल, दुर्बल अंतरा आणविक आकर्षण बल। ये देखिए क्या है, ये इससे, इससे एक कण दूसरे कण से थोड़ा दूर है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दुर्बल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, जबकि क्या होता है, जब ठोस होता है फ्रेंड्स, ठोस में क्या होता है, प्रबल पाया जाता है। प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, पाया जाता है किसमें, ठोस में। ठीक है, द्रव में क्या होगा फ्रेंड्स, द्रव में दुर्बल पाया जाता है। ठीक है, और गैस होगा फ्रेंड्स, तो जो गैस होता है, गैस का क्या होता है, एक यहाँ रहेगा तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, इतना दूर होता है, ये क्या होता है, अत्यधिक दुर्बल होता है फ्रेंड्स, अंतराणविक बल। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसे जल हो गया। ठीक है, जल क्या है, द्रव है, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल इत्यादि।